तो फाइनली कई दिनों बाद सुपर हीरो के जॉनरा में एक प्रॉपर आर रेटेड मूवी आ रही है एंड क्रेविन द हंटर इसको क्लियरली एस्टैब्लिश भी कर देती है कि हाँ इसमें भले ही कुछ नेक्स्ट लेवल की स्टोरी नहीं होने वाली लेकिन फैंस को एक्शन खूब मिलेगा, मार कुटाई खूब मिलेगी। चलो इसका अच्छे से ब्रेकडाउन करते हैं। तो ट्रेलर का फर्स्ट शॉट ही लोकेशन को बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश कर देता है। आप यहाँ क्लियरली आई ऑफ लंडन देख सकते हो जो कि ऑब्वियसली लंडन में है एंड यही हमें फर्स्ट लुक मिलता है एरन टेलर जॉनसन के क्रेविन द हंटर का। एंड यहाँ ये पूरा सीक्वेंस क्लियरली एस्टैब्लिश कर देता है, बता देता है कि भाई इस कैरेक्टर के पास सुपर स्ट्रेंथ है। इसके बाद कुछ शॉट्स में क्लियरली क्रेविन द हंटर की फैमिली को भी दिखा दिया जाता है कि कैसे उसके पिता एक हंटर हैं और वो किसी रशियन माफिया के लीडर भी हैं। देन उसकी माँ की डेथ हो चुकी है एंड यहाँ पे क्लियरली ये भी दिखाया जाता है कि क्रेविन जो है वो डायरेक्टली अपने फादर को ब्लेम करता है उसकी माँ के डेथ के लिए। Your mother is dead. She died because you sent her away. And यही एस्पेक्ट मेरे गेस से मूवी का मेन प्लॉट होगा। यही हम उसके भाई को देखते हैं और बता दूं कि ये भी एक सुपर विलन कैमेलियन बनता है जो कि अपना रूप बदल सकता है। एंड ये एंड क्रेविन द हंटर दोनों ही स्पाइडरमैन के वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलन में से एक हैं। आगे हम क्रेविन एंड उसके पिता को बात करते देखते हैं एंड उसके पिता क्लियरली बोलते हैं कि तुमको तो मेरे बिजनेस के बारे में पता ही है। एंड नेक्स्ट शॉट में ये रिवील हो जाता है कि हाँ भाई उसके पिता का बिजनेस मार कुटाई वाला ही है, वो प्रॉपर माफिया ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। एंड यही इसी शॉट में आप एक शेर का हेड स्पॉट भी कर सकते हो। एंड टेक्निकली जिस तरह से इस ट्रेलर में क्रेविन के पिता को दिखाया गया है उससे यही फील होता है कि कॉमिक में जो पर्सनैलिटी क्रेविन द हंटर की थी वही सेम पर्सनैलिटी इसके फादर को यहाँ दे दी गई है। कॉमिक बुक्स में ऐसी क्रेविन रूथलेस था, जानवरों को मारता था, ऐसी उनके सर को अपने दीवार पर एस ट्रॉफीज लगाया करता था। तो हाँ यहाँ कॉमिक एक्यूरेसी तो नहीं है, इवन यहाँ जो क्रेविन की ओरिजिन दिखाई गई है उसमें भी कई सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। उस पे जब एक लायन अटैक करता है तो वही लायन का खून क्रेविन की इंजरी में चली जाती है और उसको सुपर पावर्स मिल जाते हैं, लेकिन कॉमिक बुक्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बल्कि वहाँ ऐसा एक हर्बल पोशन के चलते हुआ था जहाँ कैलिप्सो नाम की एक विच ने उसे ये पोशन दिया था जिससे उसमें कई सारे सुपर पावर्स आ गए थे। तो हाँ क्लियरली इस मूवी से कॉमिक एक्यूरेसी एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। भाई क्रेविन को एनिमल लवर बना दिया गया है जबकि वो दूर दूर तक वहाँ ऐसा था ही नहीं। वैसे यहाँ एक और डिटेल, जब क्रेविन को उसके पावर्स मिलते हैं तो हमें एक टैरेट कार्ड दिखाया गया है जिसमें आप घोड़े पे स्केलेटन को राइड करता देख सकते हो। तो टैरेट रीडिंग में इसका मतलब होता है डेथ, एंड फिजिकल डेथ नहीं बल्कि इस कार्ड का मीनिंग माना जाता है कि लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेजर चेंजेस हो सकते हैं। डेथ के बाद जैसी न्यू बिगनिंग होती है वैसे ही कुछ लाइफ में भी हो सकता है। एंड सॉर्ट ऑफ इस कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि ऐसे अब पावर्स मिलने के बाद क्रेविन द हंटर बन जाएगा। इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में हम क्रेविन को अपने वेपन्स के साथ रेडी होता देखते हैं। एंड आपको बता दूं कि इवन कॉमिक बुक्स में भी ये कैरेक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड वेपन्स का यूज करना पसंद नहीं करता है। ये या तो अपने बेयर हैंड्स का यूज करता है या फिर अलग अलग तरह के नाइफ का, चाकू का, ये सब। एंड इसके नेक्स्ट शॉट में ही क्रेविन का एक और पावर दिखाया गया है कि वो कैसे एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है एंड अपने अटैक्स में वो एनिमल्स को डायरेक्शन दे सकता है। आगे हमें क्रेविन का एक क्लियर लुक मिलता है जिसमें वो कॉमिक एक्यूरेट लुक में तो नहीं है पर हाँ आप उसके गले में एक दांत देख सकते हो। कॉमिक्स में इसके गले में ऐसे कई सारे दांत थे एंड जैसे जैसे वो जानवरों को मारते जाता था वैसे ही उनके दांत को एज ट्रॉफी अपने नेकलेस में ऐड करते जाता था। बट शायद यहाँ ऐसा नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि मूवी में तो ये एनिमल लवर है एंड ये एक दांत बस उसी लाइन के होंगे जिससे कि इसको सुपर पावर्स मिले थे। खैर इसके बाद हमें एक एक्शन सीन दिखाया जाता है वो भी प्रॉपर आर रेटिंग के साथ एंड यही बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। रिसेंट के टाइम में जो भी सोनी ने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को लेकर मूवीज बनाई हैं, वेनम को ले लो, मॉर्बियस को ले लो, उन सब में स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी और इसके ऊपर से आर रेटेड मूवी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ ट्रेलर से लग रहा है कि चलो स्टोरी तो यहाँ भी सिंपल ही होने वाली है बट एटलीस्ट कुछ नेक्स्ट लेवल के एक्शन सीन दिखाकर फैंस को एंटरटेनमेंट तो दिया जाएगा। एंड ये मूवी चल गई तो भाई ऐसी और कई सारे आर रेटेड प्रोजेक्ट्स हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। मे बी क्या पता वेनम 3 को ये लोग आर रेटिंग दे दें। यहीं पर एक शॉट में हमें कैलिप्सो के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था। कॉमिक बुक्स में इसी कैरेक्टर ने क्रेविन द हंटर को उसके पावर्स दिए थे बट मूवी में इस कैरेक्टर की कुछ अलग स्टोरी होने वाली है। देन हमें एक जंगल में एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है, खूब सारी मार कुटाई दिखाई जाती है एंड यहीं पर क्रेविन अपने फादर को लेकर अपना हेट दिखा देता है। I take it out. वो क्लियरली बोलता है कि उसके फादर जो है वो वर्ल्ड में एविल लाते हैं और वो एविल्स को हटाता है। और कॉमिक बुक एक्यूरेसी के नाम पर ये शायद अच्छा नहीं है क्योंकि भाई क्रेविन द हंटर एक विलेन था, उसको यहाँ क्लियरली एक एंटी हीरो बना दिया गया है। यहीं पर हमें उसके भाई कैमेलियन का भी एक अडल्ट लुक मिलता है और जो लोग कैमेलियन को नहीं जानते हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई ये इतना पतला दुबला क्यों है,
तो भाई इसके बॉडी पे नहीं जाओ। कॉमिक बुक्स में ये जो करता है वैसा कुछ यहाँ कर दिया तो भाई आग लग जाएगी। वहाँ इसने जे जोना जेमसन से लेकर स्पाइडरमैन तक का सबका रूप लिया है। कह सकते हो कि सोनी के पास स्क्रल्स तो नहीं है बट अपना भाई कैमेलियन है। देन इसके बाद है ये वाला शॉट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कई सारे स्पाइडर्स क्रैवन के ऊपर आ रहे हैं। एंड ये जो पूरा सीक्वेंस है ये भी एग्जैक्टली कॉमिक बुक्स के पेजेस से उठाया गया है। जैसा आप देख ही सकते हो वहां क्रैवन द हंटर स्पाइडर से बहुत डरता है क्योंकि वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड यही डर आगे चलकर इसको स्पाइडरमैन का विलेन बना देती है। तो हां एग्जैक्ट वही सीन कॉमिक बुक के पेजेस से उठाकर मूवी में दिखा दिया गया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन यहीं पर एक मेजर क्वेश्चन आता है कि भाई इसका स्पाइडरमैन आखिर है कौन? टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तो हो नहीं सकता क्योंकि एमसीयू वाले उसको छोड़ेंगे नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग बचता है एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। एंड इवन यहां जिस तरह से स्पाइडर्स का शेप दिखाया गया है क्लियरली आप भी देख सकते हो, मैच कर सकते हो कि एंड्रयू का जो स्पाइडरमैन का लोगो था वो एग्जैक्टली ऐसा ही था। वैसे यहां मैं बस गेस कर रहा हूं, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट जरूर करना। आगे हम क्रैवन को उसके कॉमिक एक्यूरेट लुक में भी देखते हैं उसके प्रॉपर जैकेट के साथ, एंड अब उसके नेकलेस में 3-4 दांत हो चुके हैं। अब क्योंकि ये एनिमल लवर है तो भाई मुझे लगता है कि ये जो पूरा सूट होगा उसके फादर का ही होगा। एंड इन द एंड हम उसे किसी टेगलैंड नाम के बंदे के ऑफिस में देखते हैं, एंड यहाँ वो एक हिट लिस्ट में उसका नाम कार्ड भी देता है, विच मींस कि वो एक किसी लिस्ट को फॉलो कर रहा है एंड उसी लिस्ट को हंट कर रहा है। एंड एंडिंग से जस्ट पहले हमें टीज किया जाता है राइनो के कैरेक्टर को। तो यहाँ हम पहली बार एक बायोलॉजिकल राइनो को दिखाया गया है, जैसा कुछ हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजार्ड के कैरेक्टर के साथ देखा था वैसे ही ये यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वैसे अमेजिंग स्पाइडरमैन की मूवी के एंडिंग में राइनो के कैरेक्टर को टीज भी किया गया था बट वहाँ वो मैकेनिकल आर्मर के साथ था, पर यहाँ हमें प्रॉपर बायोलॉजिकल राइनो मिलने वाला है। बट हाँ कॉमिक बुक्स में कभी भी राइनो बायोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं था बल्कि उसे एक सीरम से पावर मिले थे जिससे उसका साइज एंड स्ट्रेंथ बढ़ गया था, एंड उसने राइनो के शेप का सूट पहना था बट अल्टीमेटली वो इस सूट में फंस गया और कभी बाहर निकल नहीं पाया। तो हाँ कॉमिक एक्यूरेसी के नाम पे ये मूवी बहुत ही ज्यादा दूर है, एंड ओवरऑल जो ट्रेलर है उसको भी देखकर क्लियरली लग रहा है कि भाई इस बार ये लोग इस मूवी में आर रेटेड एक्शन बेच रहे हैं। तो हाँ अगर इस मूवी में एक्शन नेक्स्ट लेवल का हो गया, मारकुटाई नेक्स्ट लेवल की हो गई, कुछ नेक्स्ट लेवल की सिनेमाटोग्राफी दिखा दी गई तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा चलेगी। उस टाइम ऑडियंस स्टोरी पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली। फिर भी आपके इस पे क्या ओपिनियन है कॉमेंट में जरूर बताना, एंड मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी कॉमेंट कर देना। द फ्लैश का स्पॉइलर से भरा हुआ रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड लेटेस्ट नटी न्यूज देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा, टिल देन बी देसी बी नट।